वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हम यमस्टॉक में अकाउंट ओपन करते हैं, ये जो इधर दिख रहा है आपको आइकॉन, इस यमस्टॉक ट्रेडिंग ऐप में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। और जो हम बोलते हैं कि अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो 200 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा, तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यमस्टॉक ओपन करते ही इसके हम लोग यहाँ पर बेनिफिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट तो यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, मतलब अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज जो लगता है अदर ब्रोकिंग ऐप में जो आपको ब्रोकरेज लगता है, चाहे वो जीरोदा ले लो, अपस्टॉक्स ले लो, या फिर एंजल ले लो, कोई सा भी फायर्स ले लो, कोई सा भी अदर अगर आप ट्रेडिंग ऐप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर लेनी होगी यहाँ पे, या फिर आप एक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस बाय कर लो, या फिर एक आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का बाय कर लो। किसी भी एक कॉल या फिर पुट अगर आप बाय करते हो एक लॉट, तो हमें यहाँ पे 20 रुपीज़ एक ऑर्डर का देना पड़ता है। और ये ऑर्डर लिए हो वो आपके पास रखे तो नहीं रखोगे, मतलब हमेशा के लिए, उसको सेल भी करना पड़ता है तभी आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो सेल करते समय भी और 20 रुपीज़ यहाँ पे हमें लगते हैं। तो ओवरऑल एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में हमको यहाँ पे लगभग 40 रुपीज़ हमारा चार्ज रहता है। तो यहाँ पे ये इनका जो चार्ज है ब्रोकरेज का, ये हमें इस यमस्टॉक में ज़ीरो मिलता है, मतलब हमें यहाँ पे एक भी रुपये यहाँ पे हमको यमस्टॉक को यहाँ पे नहीं देना। जो हमारा GST लगता है, तो एक ऑर्डर यहाँ पे जीरोदा में या फिर अपस्टॉक्स में अगर आप एक ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे 54 से 56 रुपीज़ का यहाँ पे एक लॉट से यहाँ पे हमको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने में इतना चार्ज होता है। तो इनमें से यहाँ पे यमस्टॉक में अगर आपने ट्रेड किया तो यहाँ पे डायरेक्टली इसमें से -40 यहाँ पे हो गया, मतलब ये 40 रुपीज़ इसमें से कट हो जाएगा। अगर आपका 54 रुपये लगने वाला है तो इसमें 40 माइनस हो गए तो कितना रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 14 रुपीज़ यहाँ पर बच गए। मतलब ये आपका एक ट्रेड लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 14 रुपीज़ लगेगा। मतलब जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक जाते जाओगे तो यहाँ पे वैसे वैसे आपका, मैंने एक ट्रेड लिया था, मेरा मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे मेरा ऑर्डर चार्ज लगा था, मतलब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, वो मेरा है यहाँ पे 13 to 15 रुपीज़ के अंदर। मतलब जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूँ इसका यहाँ पे 13 से 14 रुपीज़ के अंदर ही यहाँ पे मेरा एक ट्रेड के लिए मेरा खर्चा इतना हो जाता है, ऐसा आप मान सकते हो। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स 8 रुपीज़ 9 रुपीज़ जो SST है, GST और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, ये मतलब जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है, यही सब लगते हैं। और उनमें के ये भी बहुत ज़्यादा नहीं रहते, 8 रुपीज़ 10 रुपीज़ के आसपास, मैक्सिमम 12 रुपीज़ के यहाँ पे लगते हैं, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगता। तो ये इतना यहाँ पे ये बेनिफिट किन लोगों के लिए है इस यमस्टॉक का, तो जो भी लोग नए हैं, जो नए नए शुरुआत कर रहे हैं यमस्टॉक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, और जो खास करके ऑप्शंस कर रहे हैं, जो भी लोग ऑप्शंस कर रहे हैं उनके लिए यमस्टॉक ये तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है। और जो ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग आपको पता ही होगा रिटेलर होते हैं जिनके पास यहाँ पे फंड की बहुत कमी होती है, मतलब 1 लाख से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 1 लाख से बहुत सारे लोगों के पास कम ही पैसा लेके यहाँ पे मार्केट में आती है। और इनमें से भी मोस्ट ऑफ़ द ट्रेडर्स यहाँ पे ब्रोकरेज में ही यहाँ पे 50% या फिर 70% अपना कैपिटल गवा देते हैं, मतलब उनको लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो ब्रोकरेज है ना उन्होंने, उसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉस में आ जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे यमस्टॉक में अकाउंट ओपन किया है, जो कि हमारा बहुत सारा ब्रोकरेज बचाता है और हमें यहाँ पे ट्रेड सीखने के लिए भी मदद होती है, होल्ड करने के लिए भी मदद होती है, और हमें एक अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन हमने इसमें भी यहाँ पे हमें एक ऑफ़र निकाली है, अगर आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आपने अकाउंट ओपन किया और आपने यहाँ पे 999 वाला ज़ीरो ब्रोकरेज प्लान लिया, और अगर आपने पहले कभी भी अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आपने रजिस्टर ना किया होगा, मतलब इनके वेबसाइट पे या फिर यमस्टॉक के साइट पे जाके आपने अपना मोबाइल नंबर कभी भी आपने रजिस्टर ना किया होगा और डायरेक्टली जाके आपने हमारे लिंक से 999 वाला अकाउंट ओपन किया, तो आपको अकाउंट ओपन होते ही, जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा तो वैसे ही आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट हमारी तरफ से आपको मिल जाता है। तो ये आपको, और ये मिलने के लिए आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो हमें, और आप मुझे अपना ईमेल नंबर, आप मुझे मेरा आपका जो अकाउंट ओपनिंग का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे सेंड करना ईमेल पे, तो आपके 200 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मेरा ईमेल भी मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस ईमेल पे अगर आप भेजोगे तो आपको यहाँ पे जो भी है आपका 200 रुपीज़ का बेनिफिट आपको मिल जाएगा अकाउंट ओपन होते ही। मतलब आज आपका अकाउंट हो गया तो आज शाम तक या फिर कल को आपको यहाँ पे बेनिफिट, मतलब जो आपका 200 रुपीज़ का बेनिफिट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसा आपको करना पड़ता है। और जो भी बिगिनर है, एक लॉट से
दो लॉट से ही ट्राई कर रहे हैं उनके लिए तो यम स्टॉक मेरी नज़र में बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि मैं भी इसमें ही ट्राई कर रहा हूँ। मतलब जितना मैं ट्रेड करता हूँ मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरे यम स्टॉक में ही रहते हैं, और डेली का मेरा PNL आप लोग देख ही रहते हो कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। कभी कभी प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस होता है, ये तो चलता रहता है। लेकिन आपने ओवरऑल मई मंथ से आप मैंने यहाँ पे PNL डाला है, और मई मंथ से आप देख सकते हो यहाँ पे मई मंथ अच्छा मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, जून मंथ में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, जुलाई मंथ में यहाँ पे 4% का लॉस था हमें, और जून जुलाई अगस्त जून महीने में लॉस था, जुलाई महीने में प्रॉफिट और अगस्त महीने भी प्रॉफिट था। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया या फिर बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग सीख ली। मैं खुद बोलता हूँ कि अभी मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी लर्न कर रहा हूँ, और जैसे लर्न करते करते यहाँ पे मैं प्लस में रह रहा हूँ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अभी यहाँ पे मैं लगभग यहाँ पे 8% to 10% का यहाँ पे मैं रिटर्न निकालता हूँ। तो अगर मेरा अभी मेरा कैपिटल आप लोग देख सकते हो 5K ही मेरा कैपिटल है, अगर ये मेरा 5 लाख हो गया तो यहाँ पे आप लोग इसका यहाँ पे 10% देख लेना कितना होता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम यहाँ पे सीखेंगे, और एक बार सीख गए तो उसके बाद अगर आपका कैपिटल बड़ा होगा तो आप जाओ ना ज़ीरोधा में ट्रेड करो, या फिर जो आपको अच्छा लगे ब्रोकर, या फिर कोई फुल टाइम सर्विस ब्रोकर ले लो आप, जो भी अच्छा लगे उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सीखना होगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यम स्टॉक से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अगर आपको सीखना है तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और 200 रुपीज़ का बेनिफिट आप लोग लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और 99 वाला ही अकाउंट ओपन करने के बाद ही आपको 200 मिलेगा, नहीं तो आप 149 वाला अकाउंट ओपन करोगे और वो 200 रुपीज़ का बेनिफिट पूछोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये भी बात आप ध्यान में ज़रूर रखना। थैंक यू सो मच।